मार्जरी का अर्थ होता है बिल्ली। इसके अभ्यास में शरीर की आकृति मार्जरी बिल्ली की भांति ही बन जाती है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल आने के बाद अपने दोनों घुटनों में और एड़ियों में कंधों के बराबर फासला देंगे। आगे से घुटनों में और पीछे से एड़ियों में कंधों के बराबर फासला रहे। अब अपने दोनों हाथों को सामने ज़मीन पर रख देंगे कंधों के बराबर फासला देकर। इस प्रकार से हाथों को घुटनों से इतनी दूरी पर रखेंगे जिससे हाथ कंधे की सीध में इस प्रकार से हो पाए। इस प्रकार से यह गलत स्थिति है और बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएं यह भी गलत स्थिति है। हाथ बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पे सीध में होने चाहिए, इस सीध में। तो हाथों को घुटनों से इतनी ही दूरी पे रखेंगे जितनी दूरी पे पीठ और दोनों कोहनियाँ सीधी रह सकें, इस प्रकार से। अब पहले इस आसन की दो स्थितियाँ हैं। पहले पहली आसन की स्थिति करेंगे। इस स्थिति में गर्दन को ऊपर और इस हिस्से को कमर के हिस्से को नीचे की तरफ दबाएंगे। यहाँ पर रोक कर रखेंगे। दूसरी स्थिति, अपनी कमर को जिसको नीचे की ओर दबाया था उसको ऊपर की ओर उठा देंगे और सिर को नीचे झुका देंगे, ठुड्डी को कंठकूप के पास ले जाएंगे, इस प्रकार से। अब इस हिस्से को ऊपर की ओर उठा देंगे। दूसरी स्थिति, अब दोबारा से पहले स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी स्थिति, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, वापस आ जाएंगे। इस आसन में 10 से लेकर 30-30 सेकंड तक आसन की दोनों स्थितियों में शरीर को स्थिर करके रखेंगे और दोनों स्थितियों का अभ्यास 4-4 से लेकर 6-6 बार तक किया जा सकता है। इसके अभ्यास के बाद या पहले शशांक आसन का या शशांक भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से ही चलती रहेगी। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से भुजाओं की मांसपेशियां, कंधे, गर्दन, पीठ, कमर और मेरुदंड, यह मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से होता है और ऊर्जा का संचालन भी इनमें भली प्रकार से होता है। पीठ दर्द के लिए यह आसन विशेष लाभ करता है। गर्भ अवस्था के पहले 4 से 5 महीने तक इसका अभ्यास करने से गर्भवती स्त्री को लाभ मिलता है। सावधानियों के रूप में केवल इतना ध्यान रखें, गर्भ अवस्था के दौरान 4 से 5 महीने के बाद इसका अभ्यास ना करें या चिकित्सक से सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगो पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।